समय शिखर को लेकर के पूरे देश में अनेक प्रकार से मौन जुलूस ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों से अलग अलग प्रतिनिधित्व बात भी कर रहा है और आश्वासन भी मिला है कि शिखर जी का आध्यात्मिक वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पर पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद वहां पर अनेक विचारों के वेग अनेक मान्यताओं के लोग वहां पर आएंगे तो वहां का वातावरण दूषित होगा, उनकी भावनाएं अलग प्रकार की होंगी तो उस भावनाओं के साथ वो वहाँ का वातावरण भी दूषित होता है। हमारी वैज्ञानिकों ने भी तय माना है कि जिस वस्तु के आसपास जिस प्रकार के वस्तु भावना वाले व्यक्ति होते हैं तो वो वस्तु भी उस प्रकार से हो जाती है। तो फिर जब वहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति आएगा, भोग भोगने वाला भी आएगा, पर्यटन स्थल है तो मांसाहार भी करेगा, होटलों में अनेक प्रकार की सुविधाएं रहेंगी तो वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण हमारा खराब होगा। उस आध्यात्मिक वातावरण को बचाने के लिए हम आज आंदोलन से जुड़े हैं। हम सरकार से चाहते हैं, सरकार से ये हमारा आग्रह है, निवेदन है और समाज की ये बात को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसको आध्यात्मिक स्थल घोषित करे और सरकार ऐसा कोई प्रावधान करे कि आध्यात्मिक क्षेत्र को आध्यात्मिक दृष्टि से विकास हो, उसको विकास संपन्न बनाया जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से बनाया जाए, पर्यटन स्थल की जगह एक नया ऐसा विभाग बनाए जिसके माध्यम से किसी भी धर्म का आध्यात्मिक क्षेत्र हो उसकी उन्नति उसका विकास सरकार आध्यात्मिक क्षेत्र से करे। वहाँ आने की गाइडलाइंस अलग हो, ऐसी गाइडलाइंस हो कि वहाँ कुछ किलोमीटर तक वहाँ होटलें नहीं बनाई जा सकती है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं हो, किसी प्रकार का शराब बिक्री केंद्र नहीं हो, किसी प्रकार की आधुनिक दुकानें वहाँ पर न खुले, इस प्रकार का नया नियम नया कायदा बना करके हम भारतीय संस्कृति को बचा सकते हैं, हमारी जैन संस्कृति को बचा सकते हैं। और राज्य सरकार केंद्र सरकार को इस बार का ध्यान देना चाहिए कि वो अलग अलग विभाग खोल देती हैं, अलग अलग प्रकार का एक ऐसा पर्यटन विभाग जैसा ही एक अन्य विभाग खोले जिसके माध्यम से ये बात हम वहाँ कह सकें और ये बात हम बता सकें कि आध्यात्मिक क्षेत्र, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है भारत की पहचान यहाँ की संस्कृति से है, यहाँ की खान पान से, यहाँ के अहिंसा धर्म से यहाँ की संस्कृति की पहचान है। तो हमारे सारे क्षेत्रों का विकास हो, चाहे जैन हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, सबका विकास हो, सरकार करे, हम उसमें सहयोग करेंगे, सारा देश सारा विश्व सहयोग करेगा कि अपनी संस्कृति की रक्षण हो रहा है, पर उनका विकास वहाँ की संस्कृति के अनुसार हो, जैन संस्कृति है जैन संस्कृति के अनुसार, हिंदू संस्कृति है, अन्य अन्य संस्कृतियों से विकास हो तो अच्छा है, आध्यात्मिक विकास होगा, पर्यटन लोग आएंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से आएंगे, इस भावना को उनको रहेगा कि हम पर्यटन स्थल नहीं, हम किसी आध्यात्मिक स्थल में जा रहे हैं, तो उससे अधिक प्रभावना होगी और भारतीय संस्कृति को मजबूती मिलेगी। भारत के हर नागरिक के अंदर अपने देश के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति एक अलग अभिमान जगेगा। तो पर्यटन स्थल की जगह एक नया और विभाग खोले, एक नई संस्था बनाए सरकार जहाँ से आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक ज्ञान से उन क्षेत्रों का विकास करे, हमारा शिखर जी का विकास भी उसी अनुसार हो। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः यही कहना चाहूँगा कि सरकार इस बात पर जरूर ध्यान दे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जैन समाज आंदोलन कर रही है अलग अलग तरीके से, ज्ञापन के माध्यम से, मौन जुलूस के माध्यम से, पर आज मैं एक बहुत कड़वी बात आपको कहने जा रहा हूँ, शायद आपको बुरी लगे पर मुझे इस बात की वेदना है कि हमारे 20 तीर्थंकरों की भूमि है, जहाँ हम साधुओं की भूमि है, जहाँ हम साधना आराधना करते हैं, और आज वो भूमि भी खतरे में, तो क्या जैन समाज हमारे उस आराध्य को बचाने के लिए हम कुछ संकल्प नहीं कर सकते हैं? एक बात बताना चाहूँगा, कोरोना के समय हमने एक साल तक व्यापार नहीं किया तो भी हम अपने परिवार को पालन पोषण किया, हमारे परिवार को हमने चलाया, तो क्या हम एक ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं करें लोग अलग अलग जगह करने के बजाय, एक साथ हम एक संकल्प करें कि एक महीने तक हम अपने व्यापारों को बंद, अपनी फैक्ट्रियों को बंद, हमारे जैन जहाँ जाए, चाहे वो कभी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अधिकारी हो, वो एक संकल्प करे कि हम अब एक महीने तक कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जब तक ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जब तक सरकार अपना निर्णय वापस नहीं देती, और एक दिन ऐसा तय करें कि हम जिस सरकार ने जिस राज्य में झारखंड राज्य ने उसको पर्यटन स्थल घोषित किया है, हम लाखों की संख्या में, लाख 10 लाख 15 लाख लोग एक साथ, चाहे सितंबर हो चाहे दिसंबर हो, एक साथ हम शिखर जी की धरती पर पहुंचे,
उस झारखंड की धरती पर पहुंचे, उस विधानसभा की धरती पर पहुंचे जहां से प्रस्ताव पारित हुआ है, तो हम मानते हैं कि हमारा कड़क निर्णय होगा। पर यह निर्णय हमारे ये एक मिसाल कायम करेगा कि हम कोई कमजोर नहीं है। जब हमारी आर्थिक स्थिति पर आज हम नहीं बोलेंगे, पर हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों पर, हमारे आध्यात्मिक संतों पर जब ये इस प्रकार का कुटालाघात किया जाएगा तो हम अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। तो सभी संत लोग, सभी हमारे मेरे से बड़े संत हैं, साधु लोग हैं, वह विचार करें, समाज की संस्थाएं विचार करें कि हम एक तारीख तय करें कि हम एक साथ शिखर जी की धरती पर जाएंगे और वहां हम बैठ करके अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे, अगर सरकार मानने को तैयार नहीं है तो। क्योंकि हम अगर व्यापार भी एक महीने के लिए बंद कर दें, 2 महीने के लिए बंद कर दें, तो हम इतना हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ नहीं होगी, पर सरकार की स्थिति, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं कि जैन समाज जितना टैक्स भरता है, सबसे अधिक टैक्स जैन समाज भरता है, चाहे सितंबर हो, दिगंबर हो, चाहे वसवाल हो, जैन इतना टैक्स भरता है, तो जब टैक्स कम भरा जाएगा, जब व्यापार बंद हो जाएगा, तो सरकार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी। और सरकार तभी सुनती है, या तो उनकी वोटों की स्थिति गड़बड़ाती है या आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, तो सरकार हमारी बात को सुनती है। तो हमें भी ये तय करना चाहिए कि हम सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम अपने व्यापारों को बंद कर सकते हैं, हम 2-3 महीने अपने व्यापारों को बंद कर दें, हम टैक्स भरना बंद कर दें, तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि सरकार को हमारी बात को मानना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। और सरकार आइंदा अगर इस प्रकार का कोई जैन समाज के प्रति ऐसा कोई निर्णय पास करती है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि ये जैन समाज में एकता है, यह जिस प्रकार से धनाढ्य हैं और शांत हैं, पर जब इनकी संस्कृति पर आघात किया जाता है तो यह अपने पूरे ताकत के साथ ये इस आंदोलन में उतर सकती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।